निजन हलचल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचलें। रतलाम शहर को स्वच्छता में नंबर वन लाने के उद्देश्य से सफाई मित्रों को दिया गया सफाई प्रशिक्षण, साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का भी हुआ आयोजन। 50 से अधिक सफाई मित्रों को प्रशिक्षण देने के साथ स्वस्थ रहने के सिखाए गुर। रतलाम मेडिकल कॉलेज में संभागायुक्त ने बैठक कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में शहर विधायक चेतन काश्यप ने व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के साथ आई बैंक में 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहने के दिए निर्देश व फाउंडेशन के माध्यम से आई बैंक को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। और वर्षों से लंबित अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पटवारियों ने अपने सर मुंडवाने के बाद भी मांग पूरी नहीं होने से नाराज पटवारियों ने निकाला मशाल मौन जुलूस। नगर निगम के सफाई मित्रों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर के साथ स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन नगर निगम परिसर में आयोजित हुआ। नगर निगम के अधिकारी रतलाम शहर को स्वच्छता में नंबर वन लाने के लिए निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन रतलाम शहर तभी स्वच्छता में नंबर वन आएगा जब निगम के सफाई मित्र प्रशिक्षित होंगे एवं स्वस्थ होंगे। नगर निगम के सफाई मित्रों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन नगर निगम परिसर में निगम अधिकारियों द्वारा किया गया, साथ ही सफाई मित्रों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में निगम अधिकारियों ने बताया कि हमारा लक्ष्य रतलाम को सफाई में नंबर वन बनाना है। इसके लिए हमारे सफाई मित्रों को प्रशिक्षित करना भी जरूरी है, लेकिन जितना सफाई मित्रों को प्रशिक्षित करना जरूरी है उतना ही सफाई मित्रों का स्वस्थ रहना भी मायने रखता है। इसलिए सफाई मित्रों को प्रशिक्षित करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी आयोजित किया गया। प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर निगम स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह के साथ निगम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। रतलाम में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे शासकीय मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं के संबंध में उज्जैन संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल ने बैठक लेकर समीक्षा की। रतलाम में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे शासकीय मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं के संबंध में उज्जैन संभागायुक्त डॉक्टर संजय गोयल ने बैठक लेकर समीक्षा की। इस अवसर पर उपस्थित शहर विधायक चेतन काश्यप द्वारा मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं सुधार के लिए निर्देशित किया। शहर विधायक चेतन काश्यप ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा रोगियों को उपचार लाभ मिले, व्यवस्था में कसावट लाई जाए, प्रतिदिन रेफर किए जाने वाले मरीजों की जानकारी का रजिस्टर संधारित किया जाए। बैठक में कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, सीईओ जिला पंचायत श्री अमन वैष्णव, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता आदि उपस्थित रहे। बैठक में मेडिकल कॉलेज की विभिन्न व्यवस्था संबंधी कार्य प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल ने निर्देशित किया कि मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल में शासन की मंशा अनुसार ज्यादा से ज्यादा रोगियों का इलाज हो, आयुष्मान कार्ड का फायदा लोगों को मिले। विधायक चेतन काश्यप ने मेडिकल कॉलेज में आई बैंक के लिए 24 घंटे वाहन एवं डॉक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विधायक चेतन काश्यप ने चिकित्सालय की ब्लड बैंक को शीघ्र चालू करने तथा दवाइयां के वितरण काउंटर पर निशुल्क दवा वितरण अंकित करवाने के निर्देश दिए। बैठक में मेडिकल कॉलेज की विभिन्न व्यवस्थाओं, निविदाओं आदि कई मामलों में कॉलेज के डीन को अधिकार प्रदान करने के अनुमोदन दिए गए। इनमें रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में विज्ञापन जारी करने, म्यूचुअल ट्रांसफर हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने, अधिकारियों कर्मचारियों को विदेश जाने की अनुमति प्रदान करने जैसे बिंदु सम्मिलित है। विधायक चेतन काश्यप ने कहा कि आई बैंक के लिए 24 घंटे वहां डॉक्टर की टीम उपलब्ध रहे। विधायक चेतन काश्यप ने कहा कि आई बैंक के लिए उनके ट्रस्ट से हर संभव मदद दी जाएगी। बैठक में कॉलेज में 50 बेड क्रिटिकल केयर यूनिट निर्माण, 33 किलो वॉट हाई टेंशन सप्लाई लाइन केबल खरीदी, कॉलेज एवं अस्पताल विस्तार के लिए लगभग 1.25 हेक्टेयर भूमि आवंटन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
विधायक चेतन काश्यप ने निर्देशित किया कि कॉलेज के अस्पताल विस्तार के लिए पृथक से प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। तो 20% बिल तो कम होगी, सीधे डॉक्टर के पास चले, सीधे डॉक्टर के पास चले जाएंगे। शहरी आदमी यूज कर लेगा उसको, उधर नहीं जाना, वहाँ नहीं जाएगा। यहाँ जो मुद्दे वितरण है ना, इसके आगे इक्विपमेंट तो काफी आगे आगे जिला पटवारी संघ द्वारा अपनी लंबित मांगों के समर्थन में मौन मशाल जुलूस आयोजित किया गया। चुनावी वर्ष में जहां हर कोई अधिकारी कर्मचारी संगठन अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन हड़ताल और आंदोलन का रूप इख्तियार करके अपनी मांगों को मनवाने में सफल हुए हैं, वहीं वर्षों से लंबित अपनी मांगों को लेकर लामबंद हुए पटवारी संघ की हड़ताल को एक माह होने आया, बावजूद इसके प्रदेश शासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रदेश संगठन के आह्वान पर शुरू किए गए जिला पटवारी संघ के आंदोलन में कई प्रकार से आंदोलन करते हुए शासन का ध्यान आकर्षण करवाने की कोशिश की गई, जिसके अंतर्गत यज्ञ हवन भजन अनुष्ठान के साथ ही ब्लड डोनेशन जैसे कार्य भी जिला पटवारी संघ के सदस्यों ने आंदोलन के अंतर्गत किए। साथ ही पटवारी संघ के सदस्यों ने काली पट्टी बांधने व सर मुंडवा कर भी अपना विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन प्रदेश शासन के कान पर जू तक नहीं रेंगी। आंदोलन की इसी कड़ी में जिला पटवारी संघ द्वारा मौन मशाल जुलूस निकाला गया। धरना प्रदर्शन स्थल मौन मशाल जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ अंबेडकर सर्किल पहुंचा, जहां पर जिला पटवारी संघ ने शासन को सद्बुद्धि देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। दस दिवसीय गणेश उत्सव के अंतर्गत शहर में विभिन्न जगहों पर गणेश जी की आराधना करते हुए महाआरती की गई। गणेश चतुर्थी के साथ ही घर घर बप्पा की आराधना का दौर भी शुरू हो गया है। हर ओर मंगल मूर्ति की आराधना की धूम मची हुई है। गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष के साथ हर कोई गणेश वंदना कर अपने आराध्य को मनाने की कोशिश कर रहा है। शहर के आस्था स्थल नित्य चिंताहरण गणपति मंदिर पर भी मंगल मूर्ति की आराधना का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहां पर मंगल मूर्ति की आराधना करने शहर के वरिष्ठ भाजपा नेता हिम्मत कोठारी, आरडीए अध्यक्ष अशोक पोरवाल के साथ समिति संयोजक जनक नागल ने गणपति बप्पा की आराधना करते हुए महाआरती की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय रहवासी एवं धर्मालु जन मौजूद रहे।
डिजियाना नेटवर्क पर भी 10 दिवसीय गणेश उत्सव को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बप्पा की आराधना की जा रही है। इस अवसर पर नगर के प्रसिद्ध एमडी मेडिसिन डॉक्टर इंद्रेश पाटीदार के साथ पत्रकार जितेंद्र सिंह सोलंकी, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संचालक कमल पाटीदार, कृष्णा रावत, मुकेश वैष्णव, अब्दुल फरीद आदि मौजूद रहे। इक्विटास बैंक में भी गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। यहां पर मुख्य अतिथि बतौर आरडीए अध्यक्ष अशोक पोरवाल रहे। साथ ही प्राधिकरण संपदा अधिकारी राजेश उपाध्याय ने भी गणपति बप्पा की आराधना करते हुए आरती की। इस अवसर पर बैंक शाखा प्रबंधक प्रतीक खारीवाल के साथ अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ी संख्या में प्रीतम नगर के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ी संख्या में प्रीतम नगर के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा विस्तारक हितेंद्र सिंह राजपुरोहित की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली और आगामी चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को भारी बहुमतों से विजय दिलाने का संकल्प लिया। जिन कार्यकर्ताओं द्वारा सदस्यता ली गई उनमें ईश्वरलाल भंवर, जितेंद्र डामर, बाबूलाल, धर्मेंद्र राठौर, जय किशन, पन्नालाल भाबर, परमानंद डोडियार, पिंटू डामर सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि शांतिलाल सिसोदिया, नरेंद्र परिहार, प्रकाश मुनिया, जनपद सदस्य घनश्याम, उप सरपंच गोविंद डामर, पन्नालाल, श्यामलाल भंवर, रतनलाल डामर, समरथ चौधरी, राजेश पाटीदार आदि उपस्थित रहे। रतलाम ग्रामीण विधानसभा में भाजपा को मजबूत बनाने के लिए विधायक दिलीप कुमार मकवाना लंबे समय से कार्य कर रहे थे और उनके यह प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। क्षेत्र में लिखी गई विकास की गाथा और सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस से जुड़े नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी को छोड़ भाजपा का हाथ थामा है। आज के लिए बस यही था, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रतलाम शहर को स्वच्छता में नंबर वन लाने के उद्देश्य से सफाई मित्रों को दिया गया सफाई प्रशिक्षण। साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का भी हुआ आयोजन। 50 से अधिक सफाई मित्रों को प्रशिक्षण देने के साथ स्वस्थ रहने के सिखाए गुर। रतलाम मेडिकल कॉलेज में संभागायुक्त ने बैठक कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में शहर विधायक चेतन काश्यप ने व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के साथ आई बैंक में 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहने के दिए निर्देश व फाउंडेशन के माध्यम से आई बैंक को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। और वर्षों से लंबित अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पटवारियों ने अपने सर मुंडवाने के बाद भी मांग पूरी नहीं होने से नाराज पटवारियों ने निकाला मशाल मौन जुलूस।